गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग पढ़ने रहे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज संडे है, टाइम अभी 10:15 हो गया। संतोष इधर, हाँ सफाई, बहुत सारे लेटर वेटर थे वो सब क्लीन अप करना है, तो वो बहुत दिन का इकट्ठा हो गया था, तो वो सब थोड़ा क्लीन अप कर रहा हूँ। आज सफाई अभियान में लगा हूँ। हाँ, स्वच्छता अभियान भारत में, स्वच्छता अभियान चलता है, जैसे हमारे घर पर भी चल रहा है अभी। उसका जो लीडरशिप है वो अंजुबा है, क्योंकि सुबह 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 थोड़ा गुस्सा कर दिया उसका, इसलिए उसका असर हो रहा है, असर हो रहा है। और ये भी ठीक है, आशीषा संतोष आज भी कॉफी पीने के लिए गया और लंच लेकर आया, लेकिन किसी ने नहीं खाया, किसी को भूख नहीं है। मैंने तो आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया, पता नहीं भूख नहीं है। चुमसी ब्रेकफास्ट खाया, उसको भी लंच नहीं खाना है, भूख नहीं है। और अभी सब लोग गार्डनिंग का काम के लिए वो नीचे गिर गया। मैं और खुशी मिलकर इधर फेंस पे आर्टिफिशियल ग्रास लगाया था, वो आधा नीचे गिर गया, तो अभी संतोष का हेल्प लेना चाहिए। मिल गया ड्रिल करने के लिए ना, ये ड्रिलिंग मशीन है, लेकिन इसका चार्ज नहीं है। नहीं आ रहा खुशी, सबसे पहले इसमें प्लांट्स लगाते हैं। अच्छा वाइट है ना, इसमें इधर कुछ पुराना फ्लावर्स है, कुछ नया लिया है, इसके अंदर ये सूट होगा और भी है। नहीं ये नहीं, ये भी फ्लावर्स है, लेकिन मुझे लगता है वाइट के साथ ये ज्यादा अच्छा लगेगा। ले खुशी, चलो चमक चलो, बहुत सुंदर है ना, एकदम रियल लगता है। सबसे पहले ये मशीन फिट कर, ऊपर चुंसी अलग बढ़ती हो रहा ना। ये ग्रास फिट करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि ये नो ट्रेस हैंगर है ना, देखो ऐसा दिखता है, उसके लिए हैमर चाहिए था। हैमर हमारे घर पे नहीं है, तो संतोष गायब हो गया। हाँ। हैमर खरीदने के लिए गया, हाँ वो देखा तो गाड़ी नहीं है, हैमर लेने के लिए गया। So what is the plan? तो हम लोग वो चेयर डाल देते हैं तब तक, बाहर उधर डाल दो जिंसी, उधर उधर। और एक मैडम इधर पेंट कर रहे हैं, पेंट कर लो। इसमें देखो फ्लावर्स आना शुरू हो गया। मेरा टूट गया था ना, उसका पैसा वापस मिल गया मुझे, लेकिन वापस मैंने वो ऑर्डर नहीं किया। पहले सोचा था ऑर्डर करेंगे, लेकिन वो हेवी है ना, शायद वो फेंस में डाल दिया तो फिर ऐसे आएगा, तो अभी वो प्लान कैंसिल कर दिया। फुल कुछ ऐं पर हैमर भी आ गया, चार बज गया, 4:30 बजे के अंदर शॉप सब बंद हो जाएगा। किधर है, किधर से लिया?
BMQ. The hammer is getting damaged. Let's see. Friends का काम इधर तक हो गया और पेंटिंग भी हो गया, कुछ भी और कुछ काम कर रहे हैं। ये भी टीके मैक से लिया था, ये साइकिल भी मैं और सुधी जाकर लिया था। लकड़ी पर सैंड पेपर से पकड़ लेते तो थोड़ा उसका एकदम क्लीन हो जाता, उसके बाद फिर पेंट करते तो अच्छा लगता। लेकिन अभी थोड़ा सा पेंट बच गया तो मेरे अंदर एक आइडिया आ गया। तो मिरर नहीं चाहिए ना, मैं बोला मिरर के तुमने रखा हुआ। मिरर वो टूट गया है ना, मिरर भी ये तो अच्छा था जो ऐसे में सोचा था। गैप नहीं देखे इस कर रहे हो, यही प्रॉब्लम है। बात करके किया तो ठीक है, अभी ये ऐसा करें। मैं एक एक छोड़ कर पेंट कर रहे थे, यही बात कर रहे तो ऑप्शन दे दे, इसमें कौन सा चाहिए? जैकफ्रूट वाला, दोनों ही जैकफ्रूट है, कोई भी ले लो। टेरली और ये एलेडा। लास्ट वीक इंडियन ग्रोसरी शॉप गया तो बेस्ट फूड गया तो उधर ये देखा तो इमीडिएटली उठाया। स्मेल है ना, मतलब ये टेरली का, इसको टेरली बोलते हैं। ये लीव्स है ना, इसको वशनेला बोलते हैं। क्या खुशबू है, फ्रोज़न है फिर भी इसका खुशबू अभी तक है। तो ये दो ही तुम खाओगे, तुमसे टिपिकल कुछ भी, मतलब देसी खाना है ना, देसी खाना समोसा पफ्स वो सब पसंद है, लेकिन ये पसंद नहीं है उसको, टिपिकल खाना। How's typical? ये टिपिकल, ये This is full sweet. हम लोगों को है ना बचपन में हमारा इवनिंग स्नैक्स ऐसा होते थे। ये हेल्दी स्वीट है, इसमें शुगर नहीं है। अरे इसमें शुगर ही नहीं है, ये सिर्फ जैकफ्रूट का मीठा है। इसलिए हम लोगों को कोई बीमारी नहीं होते थे बचपन में। पोड़ा उड़ गया। That's my point. हमने ज़्यादा पसंद रखी but your fact one. और ये बनाना लीस में बनाते हैं। तो that's literally sugar. अरे ये इसमें ये आइस है, ये sugar. पोड़ा उड़ना आइस है। Full sugar. एकदम परफेक्ट आ गया ओवन में, ना कहीं चौंके। लेकिन एलेडा है ना थोड़ा कड़क लगा मुझे, इसलिए मैं इडली का बर्तन में रखा है। कैसा लगा? अच्छा, अच्छा है ना, खा के देखो। अच्छा टेस्टी। मैंने कल एक ट्राई किया था, एक्जैक्टली घर में बना रहा वैसा ही है, बहुत टेस्टी। अगर आप लोगों को है ना खाने का इच्छा हो रहा है तो पता नहीं सब इंडियन ग्रोसरी शॉप में मिलेगा मालूम नहीं। हाँ अभी एकदम सॉफ्ट हो गया। गरम है चुमसी। देखा एकदम सॉफ्ट है। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गार्डन क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो गया, मुझे तो अच्छा लगा, क्यूट लगा। अभी और भी प्लांट्स और हाँ प्लांट्स रखना है वो बाद में, धीरे 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 धीरे, अभी समर आने वाला है ना धीरे धीरे। और टेबल देखो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जितना पेंट है उतने से काम हो गया। आप लोग बताने ऐसे ही ये छोड़ना है या पूरा पेंट करना है। और ये खुशी का आइडिया है फ्लावर, वो भी मुझे अच्छा लगा, और इसमें से लाइट आएगा। आई आल्सो ब्रॉट दैट अप। हाँ अभी
बहुत टाइम तक अंदर रखा है इसलिए लाइट नहीं है, सोलह का है। And we also bought this. हाँ, और इधर देखो टैंग, अच्छा लग रहा है ना मुझे तो बहुत बहुत। कैमरा में कितना अच्छा है मालूम नहीं। मेरा प्लान था वो जो मिरर है ना विंडो वाला, वो ऐसे मिडिल में रखने का था। हाँ, हेवी और टूट भी गया। और इधर हमारा क्यूट सा कैट को रखा है। And I also did this flower. हाँ, खुशी ने किया, ये भी बहुत अच्छा है ना। But Mama came up with the idea. हाँ, मैंने आइडिया दिया लेकिन रखा वो खुशी का काम है ना। और ये भी मुझे अच्छा लगा। और इधर अभी कुछ तो ग्रीन कलर का एक प्लांट लगाना है और कुछ ग्रीन और एक और प्लांट इधर, कुछ ग्रीन कलर का या फ्लावर का एक और प्लांट इधर रखना है। और उस साइड भी कुछ तो करना है। और अभी गार्डन में पता नहीं अभी पूरा अंधेरा हो गया, इधर भी प्लांट्स रखा है, ऐसा भी बड़ा होना है। और ये गार्डन का है ना, इधर एक प्लांट दिख रहा है, ये इसमें से रेड कलर लीव्स आएगा, टूना सिनेंसिस फ्लेमिंगो ऐसा कुछ प्लांट है। तो जब आने के बाद अच्छा लगेगा लेकिन कितना ईयर लगेगा मालूम नहीं। और गार्डन का है ना हालत अभी बहुत ख़राब है। गार्डनर को मैसेज किया है, बोले एक बार आकर कुछ ठीक से सब कुछ कट कर कर दे दो, फिर मुझे बता दो ये इसके लिए क्या क्या करना है। लास्ट ईयर पूरा गार्डन का काम किया है ना, अभी आधा तो सूख गया है। तो वो लोग आने के बाद ही मैं कुछ उधर कुछ कर सकते हैं। वो भी फिट करना भी। ना, वो और अच्छा फेरी लाइट भी डालेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा, वो सब बहुत सुंदर लगेगा, जबरदस्त। अब इसमें रखने के लिए कुशन लेना पड़ेगा। oh, it's on. It's on. Do you want to play? Charge it. Hey, who's that? Charge it. What is it? This is called Oculus device. Oculus. This is from Meta. और इसके थ्रू आप मेटावर्स को जाते हो। ये Oculus का है ना, इतना नहीं चला है ना। Oculus बहुत ज्यादा नहीं चला, मेटावर्स का बहुत हाइप था कि होगा, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो डिवाइस इतना बड़ा है ना, बल्कि है तो उतना चला नहीं है। अभी एप्पल ने नया निकाला है, उस एप्पल ने अपना ऑगमेंटेड रियलिटी का निकाला है, एआर ग्लासेस एप्पल का। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल जाके वो ले लूँ। प्लीज घर पे लेके मत आना, प्लीज। मैं सोच रहा बाहर लेके जाओ, बाहर किधर भी लेके जाओ, घर लेके आके, घर पे नहीं, घर पे नहीं। इलोन द न्यूरल लिंक चिप पे ऑल बॉटम बॉटम हाफ इज पैरालाइज्ड बट लाइक ही प्लेस द चेस विद। हां, मैंने वो न्यूज़ में पढ़ा है। लेकिन मुझे ना आजकल का वो आने वाला जनरेशन के बारे में ना बहुत। हां, सो शी इज पार्ट ऑफ इट बट शी इज एट लीस्ट नॉट अभी केरला में एक टीचर आ गया ना, एआई टीचर आ गया। हाँ, मुझे टीचर आया, मुझे तो टीचर तो टीचर ही होना चाहिए, वो आर्टिफिशियल ये नहीं होना चाहिए, एक इमोशन होना चाहिए। पहले कहना हमारा टाइम में मुझे याद है प्राइमरी स्कूल में हमारे टीचर ने एक चीज सिखाया, वो अभी तक वो मन में है, एक है माता पिता गुरुदेव है ना। लेकिन हाँ हाँ, वो तो करेक्ट बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ वो ये जो सिखाया है वो तो एआई टीचर भी सिखा सकता है, सिखा सकता है, लेकिन वो एक इमोशन है हम लोग को, वो बोलने का वो ना वो टीचर से कनेक्शन। फिर मतलब फिर आते हैं ना, मतलब एक और चीज मुझे अभी भी याद है, जो पत्ता है ना वो येलो वाला पत्ता गिरने के टाइम, जो ग्रीन वाला पत्ता हंसना नहीं, क्योंकि सबका लाइफ ऐसा, जो छोटे है वो बड़े लोग के ऊपर हंसना नहीं, हम लोग एक बच्चे लोग दिन जो है आप जवान भी बूढ़ा होगा, बेसिकली वही है। हाँ, वो सब जवान यूथ यंग, तो सेकंड मीनिंग इज जवान इज सोल्जर, लाइक शाहरुख खान सोल्जर, सोल्जर सोल्जर है। मुझे तो डर लगता है सीरियसली। सो इंटेलिजेंट करेक्ट है एआई में अभी, लेकिन क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है कि एआई में भी इमोशंस और ये सब सीख रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, हालांकि मतलब वो नहीं है, कोई पूछता है मर्सिडीज बेंज में, बेंज में जा रहा है और मर्सिडीज के अंदर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको, हे मर्सिडीज टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट बीएमडब्ल्यू, तो मर्सिडीज जवाब देता है सोच के कि द सेम लाइक व्हाट यू डू, अदरवाइज वी विल नॉट बी सिटिंग हियर। समझ रहा है? मतलब बोल रहा है कि अगर बीएमडब्ल्यू के बारे में जब तुम सोचते हो वही मैं सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम हम दोनों यहाँ बैठे नहीं होते। मतलब यू आर चोजन मर्सिडीज टू सिट, मेरे को मर्सिडीज लिया तुमने इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं तो तुम कहीं और होते। बट दैट
that whole kya bolte hain the also the sense of humor like how you want to witty response also so they are coming becoming cooler slowly na wo cooler mujhe to nahi lagta hai wo dangerous hai dangerous hai I'm not saying it is good but I'm saying this as technology is evolving main to neutral point of view rakh raha hu ki kya ho raha hai world mein अच्छा है भी है बुरा भी है देखो बुरा ही जो मुझे क्या लगता है मेरा पर्सनल व्यू यह है कि जब मतलब आगे 10 15 20 साल 25 साल या 40 साल होने के बाद में हम लोग तो बहुत बूढ़े हम लोग रहे हैं पता नहीं लेकिन उस समय ऐसा टाइम आएगा कि जहाँ पे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा वो लोग बोलेंगे पढ़ के करना क्या है मतलब सब कुछ तो AI है तो पूछेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं तो जो भी जवाब वो AI करेगा उनके लिए अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी साम ऐसे ही हो रहा है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए आपको डेवलप करने के लिए आप AI को बोलो AI विल राइट यू द कोड आप बोलो टेस्ट करना है कोड को तो AI विल क्रिएट अ टेस्ट केस फॉर यू तो सब कुछ ही AI कर सकता है आदमी और AI को यूज करके आगे मतलब सोचो मतलब हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स के उसमें नर्सेस में आई मीन बहुत जगह पे इनको यूज होगा तो जैसे जैसे इनका काम ज्यादा होता रहेगा वैसे वैसे ह्यूमन रिसोर्सेस का काम कम होगा बट इट विल टेक टाइम इट विल नॉट बी इजी इमीडिएटली बट 50 साल मतलब 40-50 साल में ये होगा ऐसा टाइम आएगा कि लोग पूछेंगे कि यार स्कूल जाके करेंगे बट दैट विल बी दैट इज स्कैरी क्योंकि अपने को जो इंटेलिजेंस है वो तो करना ही आना चाहिए तो जितना डिवाइसेस फोन और आईपैड और गूगल जितना कम करेंगे उतना ब्रेन शार्प होगा क्योंकि मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन आजकल कोई नहीं करता बैठ के सब जने देखते हैं खटाखट कैलकुलेटर या बट अगर एक्चुअली ब्रेन में आप करोगे तो देन इट विल बी यूजफुल